कन्हैया में कुछ एक पास्टर सो कोल्ड पापा पास्टर है वो, और वो पास्टर अपने विश्वासियों को कहता है कि आओ हम उपवास करें और मर जाएं और सीधे यीशु से मिलेंगे, ऐसा वहाँ पर लोगों को सिखाता है। और पता है दुख की बात, तो एक परिवार के 5 व्यक्ति मर गए और दफना दिए गए, और अभी वहाँ का जांच चल रहा है, और लास्ट में उस पास्टर को मैंने गया मैंने पुलिस पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। और जानते हैं दुख की बात क्या है कि जो विश्वासी उस कलीसिया में थे, तो उस मूर्ख विश्वासी लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं पढ़ने के कारण से ही वो लोग मर गए। और जो पास्टर, जो सो कॉल्ड पास्टर मानते खुद को, उस जो मैंने जो जो कन्हैया का जो पास्टर, वो कहाँ से नॉलेज हासिल करके ऐसे ऐसे सिखाते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। तो प्रियो मसीह में मेरे भाई बहनों, में आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादातर वचन को पढ़िए, वचन क्या कहता है और आजकल का सेवा क्या कहता है, इन बातों को परखिए। अगर आप किसी पास्टर को नहीं जांचते हैं कि वो पास्टर वचन से प्रचार करता है कि नहीं करता है, कि खुद का नियम लागू करता है, इस बात को भी जांचिए। यदि वचन से बाहर प्रचार करता है, उसको जितना हो जल्दी टाटा नमस्ते करके निकल जाना, आमीन। नहीं तो वो व्यक्ति, वो पास्टर तो नरक जाएंगे, लेकिन जो उसके पीछे जो मन पीछे जो विश्वासी लोग भी नरक जाएंगे। इसीलिए सावधान हो जाइए मसीही भाई बहनों, अन्यथा आप भी एक दिन आप भी धोखा खाएंगे। मत्ती 7:21 में कहता है कि जो कोई हे प्रभु कहने वाले सभी को स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, मैंने पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग के राज जाएगा, अन्यथा नहीं। और इस बाइबिल की बातों पर आमीन। एक सेकंड, और प्रियो चर्च के अंदर में ऐसा नियम थोप रहा है कि बाइबिल से बाहर है। कहीं कहीं चर्च में तो क्रूस की पूजा होता है, क्रूस की माला का पूजा होता है, आपका मरियम का पूजा होता है, यीशु का फोटो लगा देते हैं, मरियम का फोटो आगे लगाते हैं, वहाँ पर माला लगा, अगरबत्ती लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं। ये सब क्या मनुष्यों की रीति रिवाज नहीं, मनुष्यों का नियम है जो कलीसिया के अंदर में थोप दिया है, जो कि बाइबल से मैच नहीं होता है। सो हमें सावधान रहना है, आमीन।